हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोग स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं भिन्नात्मक संख्याएं क्या है, यानी फ्रैक्शन नंबर्स, उसकी परिभाषा ये, और वो कितने प्रकार की भिन्नात्मक संख्या होती है उसकी आज पूरी जानकारी लेंगे। सिर्फ आज परिभाषा ये, इस पर इससे संबंधित अगर क्वेश्चन या सवाल रहेगा तो अगले वीडियो जब भी लेकर आऊंगा मैथ का, उससे भिन्नात्मक संख्या से होगा। प्लीज मेरे साथ बने रहे, पूरी वीडियो देखे और अंत में लाइक करे, कमेंट करे। अगर मान इस वीडियो में आपने क्या देखा, क्या सीखा या कहाँ मेरी कमी रह गई तो कमेंट में जरूर लिखना। तो पूरी देखें, अंत में लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भिन्नात्मक संख्या को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? किसी पूर्णांक में ए से भाग देने पर बी प्राप्त परिमेय संख्या को भिन्न एक ए बटे बी कहते हैं, या यह किसी संग्रह समूह या संख्या का एक भाग होता है जिसे भिन्नात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कि भिन्नात्मक ए बटे बी, भिन्न का मतलब होता है बटे, भिन्नात्मक जैसे कि 7/5, इसमें क्या हो गया, ये ऊपर का भाग जो अंश और नीचे का भाग हर, ये ऊपर के भाग को हम अंश कहते हैं, नीचे के भाग को हर, यानी कि ऊपर में जो अंश है यानी 5 अंश है उसको 7 जगह बांटेंगे, यही भिन्नात्मक, यानी कि 5 रोटियां है ये उसको 7 जगह बांटेंगे, या 500 रुपये है उसको 7 के बीच बांटेंगे, यही हमारा भिन्नात्मक संख्या है। पहला है समभिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, यह क्या है, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो उसे सम संख्या कहते हैं। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, यानी कि नीचे वाला हर है ऊपर वाला अंश, तो अंश ऊपर क्या है, छोटा है, 1/2, 1/2 तो अंश छोटा है, 3/4 तो अंश छोटा है, 5/6 अंश छोटा है, 3/2/3 अंश छोटा है, अंश छोटा और हर बड़ा है, यह क्या हमारा सम भिन्नात्मक संख्या, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न का अंश उसके हर के बराबर या बड़ा हो तो उसे विषम भिन्न कहते हैं, मतलब जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा या बराबर हो उसे सम भिन्न विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4, इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है, अंश 15 और हर छोटा, यानी कि अंश बड़ा है, 7/6 यानी कि अंश बड़ा हर छोटा, 9/7 अंश बड़ा और हर छोटा, 8/8 बराबर, यह हमारा विषम भिन्न संख्या है। अब तक संयुक्त भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन यानी कि संयुक्त, इसमें सम्मिलित, जैसे जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों सम्मिलित हो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं, पूर्णांक तथा भिन्न दोनों, जैसे कि 2 पूर्णांक 1/4 या पूर्णांक, इसको अगर पूर्णांक में बटे करेंगे तो 4 8 9/4 होगा, 3 पूर्णांक 2/5 तो 5 15 2 17/5, यानी पूर्णांक को तोड़े क्या करते हैं हम, ये पूर्णांक और हर को गुना करते हैं, अंश को जोड़ देते हैं, यानी 5 3 15 गुना हो गया मल्टीप्लाई, और 2 जोड़ 5 17/5, 8 4 32 यानी पूर्णांक और हर को गुना किए मल्टीप्लाई किए, 8 6 32 या 4 8 32 +3 35 35/8 8 9 72 1 73/9 संयुक्त भिन्न हुआ। अब चलते हैं तुल्य या बराबर भिन्न, इक्वल फ्रैक्शन, ऐसे भिन्न जिनके मान बराबर हो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं, जैसे 3 2/3 और 2/6 4/6, इसमें क्या बराबर है, जैसे 2/3 हुआ, यानी ऊपर एक ही है नीचे, ऊपर एक कम है नीचे एक ज्यादा है, 2 4/6, इसको क्या करेंगे, यहाँ ऊपर 2 कम है नीचे 2 ज्यादा, मान के चलिए 2 2 4 2 2 4 2 3 6 हो गया बराबर, 2/3 2/3 निकल गया 8/12, यानी कि 4 2 8 4 3 12 यह हमारा बराबर हो रहा है, यानी कि 6 2 12 36 18 यह हमारा तुल्य या बराबर भिन्न होगा। अब चलते हैं समान हर वाले भिन्न, लाइक फ्रैक्शन, वैसे भिन्न जिनके हर समान हो उसे समान भिन्न हर वाले भिन्न कहते हैं, जैसे 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13, समान मतलब ऊपर भी क्रमगत संख्या है और नीचे हर समान है, वह क्या हो गया हमारा समान वाले भिन्न। असमान, यहाँ क्या हो गया असमान, असमान वाले भिन्न यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन, वैसे भिन्न जिनके हर असमान हो उसे असमान वाले भिन्न कहते हैं, जैसे 3/5 यहाँ ऊपर
दो कम है नीचा, तीन ज्यादा, 7/11 यहाँ मेल नहीं खा रहा, यहाँ 4 का अंदर हो गया, 8/13 यहाँ 5 का अंदर हो गया, 11/17 यानी अंश छोटा और बड़ा हो गया, यह हमारा हो गया असमान वाले भिन्न। अब है मिश्रित भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, वैसे भिन्न जिनके अंश तथा हर दोनों भिन्न हो, उसे मिश्रित, जिनका अंश भी भिन्न हो और हर भी भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न। जैसे अंश है 3/1/3 और हर है 5/7, 2/4 अंश भिन्न है और हर 6/8, यह हो गया मिश्रित भिन्न। प्रेस हमने आ जाना भिन्न की कुछ थोड़ी सी जानकारी यानी कि परिभाषाएं, भिन्न कितने प्रकार होते हैं। तो अगले वीडियो जब भी मैं मैथ से रिलेशन रिलेटेड लेके आऊंगा वीडियो, तो वह इससे संबंधित क्वेश्चन सवाल होगा। फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आशा करता हूँ कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें, अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।